डिहाइड्रेशन मतलब पानी की कमी। बच्चों की बॉडी 75% पानी से ही बनी हुई होती है, और पूरे दिन में पसीना, यूरिन पास करना या फिर रोना या फिर पॉटी में भी बच्चे बहुत सारा पानी लूज करते हैं, और अगर पूरे दिन में ये पानी की पूर्ति नहीं की जाए तो बच्चे के शरीर में पानी की कमी होती है, जिसकी वजह से बच्चे को डिहाइड्रेशन होता है। बहुत सारे लोग पानी की कमी को अनदेखा कर देते हैं, लेकिन लोग ये भूल जाते हैं कि पानी की कमी होने की वजह से उनको बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। सिर्फ बच्चे के लिए ही नहीं, बड़ों को भी पानी की पूर्ति प्रॉपर होनी चाहिए उनके शरीर में, नहीं तो उनको भी बहुत सारी प्रॉब्लम झेलनी पड़ सकती है। बड़े तो क्या करते हैं, जब उनको पानी की प्यास लगती है तो वो पानी उठा के पी लेते हैं या फिर किसी को बोल देते हैं कि मुझे पानी चाहिए, लेकिन बच्चे ना तो बोल पाते हैं कि उनको प्यास लगी है, ना ही वो खुद से पानी ले पाते हैं, जिसके कारण बच्चों में डिहाइड्रेशन का प्रॉब्लम ज्यादा पाया जाता है। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि आपको कैसे पता चले कि आपके बच्चे के शरीर में पानी की थोड़ी सी कमी हो रही है और आपको कैसे उस चीज को ट्रीट करना है। अगर इस चीज को पहले से ही ट्रीट करने लग जाएंगे तो फिर बच्चे को ये प्रॉब्लम ज्यादा नहीं होगी। तो डिहाइड्रेशन में भी दो स्टेजेस होती है, एक होती है माइल्ड टू मॉडरेट और एक होता है मॉडरेट टू सीवियर, मतलब एक होता है स्टेज वन और स्टेज टू सिंपल लैंग्वेज में। तो जो स्टेज वन होता है उसको आप आराम से ट्रीट कर सकते हैं, लेकिन जब अगर आपने स्टेज वन पे अच्छे से ध्यान नहीं दिया तो वो जो डिहाइड्रेशन का लेवल है वो स्टेज टू पे चला जाएगा और फिर आपको डॉक्टर से ही कंसल्ट करना पड़ेगा, उसको ट्रीट करना बहुत मुश्किल होता है। तो जो स्टेज वन होती है, जो माइल्ड टू मॉडरेट होती है, उनके सिम्टम्स क्या क्या होते हैं वो हम पहले देखते हैं। पहले बच्चा जितना एक्टिव था, जितना खेलता था, डिहाइड्रेशन होने के बाद में बच्चा थोड़ा सा उतना नहीं खेलेगा, उतना एक्टिव नहीं रहेगा। बच्चा पहले जितना यूरिन पास करता था अभी उतना यूरिन पास नहीं करेगा। जो नॉर्मल बच्चा होता है जिसके शरीर में कोई पानी की कमी नहीं है, जो एकदम हेल्दी है, वो बच्चे जनरली 6 से 7 डायपर एक दिन में यूज कर लेते हैं, लेकिन अगर बच्चे को डिहाइड्रेशन है तो वो उतना डायपर नहीं यूज कर पाएगा क्योंकि उसको उतना यूरिन नहीं आ रहा है। बच्चे यूरिन भी कम पास करते हैं। इसके अलावा क्या होता है, बच्चे का जो माउथ होता है वो थोड़ा ड्राई होने लगता है, लिप्स थोड़े से ड्राई होने लगते हैं, पपड़ी सी भी कई बार जमने लगती है। एक क्या होता है, जो बच्चे का ये वाला जो पोर्शन होता है, सर जो होता है, यहाँ का पोर्शन थोड़ा सॉफ्ट होता है, बहुत सॉफ्ट होता है ये वाला, बट जब बच्चे को डिहाइड्रेशन, शरीर में पानी की कमी हो रही है बच्चे के, तो ये वाला पोर्शन थोड़ा सा अंदर की तरफ सुकुड़ने लगता है, अंदर की तरफ धंसने लगता है। तो एक ये भी आप इससे भी पता कर सकते हैं कि हाँ बच्चे को डिहाइड्रेशन हो रहा है। इसके अलावा क्या होता है कि बच्चे के जो आंसू हैं, पहले बहुत ज्यादा अगर आते हैं तो अभी काफी कम हो जाते हैं। जब बच्चे के शरीर में पानी की कमी होती है तो बच्चा रो रहा होता है लेकिन बच्चे की आंखों से आंसू नहीं आ रहे होते हैं। तो ये जो सिम्टम्स होते हैं ये होते हैं माइल्ड टू मॉडरेट डिहाइड्रेशन के। अब क्या होता है, जो सीवियर डिहाइड्रेशन होता है उसके और मतलब यही वाली जो चीज है वो थोड़ी सी सीवियर चीज में चले जाते हैं, जैसे कि क्या, बच्चा बहुत ज्यादा चिड़चिड़ाने लगेगा, बहुत ज्यादा फजी रहेगा, हर बात पे उसको मतलब रोने की कोशिश करेगा बट अगेन उसके आंसू नहीं निकलेंगे। बच्चे की जो आंखें हैं ना वो भी अंदर की तरफ धंसने लगेंगी। जो मॉडरेट था उसमें सिर्फ ये सर वाली चीजें अंदर धंस रही थी, लेकिन जो सीवियर वाला होगा उसमें आपको आंखों में बच्चे के गड्ढे से दिखाई देने लगेंगे। बच्चे के जो हाथ और पैर हैं वो आपको बहुत ज्यादा ठंडे महसूस होने लगेंगे जब बच्चे के शरीर में पानी की कमी होती है। और उसके अलावा क्या होता है, बच्चा बहुत ज्यादा लेजी टाइप का हो जाता है, मतलब बहुत ज्यादा सोता रहता है एकदम, मतलब आपको अंदाजा लग जाता है बच्चा पहले इतना नहीं सोता था अभी उतना सो रहा है, तो थोड़ा ज्यादा कंपैरेटिवली बच्चा सोने लगता है। और जो बहुत ज्यादा मतलब सीवियर डिहाइड्रेशन होता है ना उसमें बच्चा पूरे दिन में सिर्फ 1 या 2 बार ही सुसु करता है, मतलब बहुत ही कम यूरिन पास करता है। एक ये भी सीवियर डिहाइड्रेशन का साइन होता है। इसके अलावा बच्चे की जो स्किन होती है ना वो थोड़ी सी सुकुड़ने लगती है, रिंकल उस पर आपको दिखाई देने लगते हैं, ये सीवियर डिहाइड्रेशन के साइंस हैं। अब हम कॉजेज के बारे में जानते हैं कि बच्चे के शरीर में पानी की कमी आखिर होती क्यों है और इसके कॉजेज क्या क्या होते हैं डिहाइड्रेशन के। तो जो पहला कॉज है वो होता है कि बच्चे को जितना दूध पीना चाहिए अपनी एज के हिसाब से, अगर वो 6 महीने से कम है, क्योंकि 6 महीने के बाद तो और भी लिक्विड्स स्टार्ट कर देते हैं, फ्रूट जूसेस वगैरह हो गया, दाल का पानी हो गया, नॉर्मल पानी भी आप ला सकते हैं। तो 6 महीने से पहले के जो बच्चे हैं वो उतना दूध नहीं पी रहे हैं जितना उनको पीना चाहिए, दूध के थ्रू उनको पानी जाता है शरीर में तो उसकी वजह से भी डिहाइड्रेशन हो जाता है। उसके अलावा क्या होता है ना, बच्चे को अगर फीवर है, फीवर में भी बच्चे को थोड़ा सा पानी की कमी होने लगती है, बच्चा बहुत ज्यादा वॉमिटिंग कर रहा है, वॉमिटिंग में भी एक ये रीजन होता है वॉमिटिंग भी, कि वॉमिटिंग के थ्रू बहुत ज्यादा फ्लूइड बाहर निकलता है तो बच्चे को पानी की पूर्ति नहीं हो पाती है। या फिर बच्चे को डायरिया हुआ है तो डायरिया की वजह से भी बच्चे को पानी की कमी हो सकती है। अगर बच्चे को डायरिया या वॉमिटिंग इस टाइप का कोई प्रॉब्लम हो रहा है, उसका पानी बहुत ज्यादा बाहर आ रहा है लेकिन उसके बॉडी में उतना पानी नहीं
डाला जा रहा, तो ऑब्वियसली पानी की कमी होगी बच्चे को। उसके अलावा या फिर जिस इन्वायरमेंट में आपने बच्चे को रखा हुआ है, जिस वेदर में आपने बच्चे को है, जहां पे आप रह रहे हैं वहां पे बहुत ज्यादा गर्मी है, या फिर अगर सर्दी आपने बहुत ज्यादा उस पर ब्लैंकेट और बहुत सारे स्वेटर्स वगैरह डाले हुए हैं, बहुत गर्मी बच्चे को फील हो रही है जिसके कारण बच्चे को स्वेटिंग हो रही है, ये भी एक डिहाइड्रेशन का रीजन हो सकता है। अब हम बात करते हैं कि अगर आपके बच्चे को डिहाइड्रेशन हो गया है तो क्या करें कि वो जल्दी से ठीक हो जाए, बच्चे को फिर से प्रॉपर हाइड्रेशन मिले। और अगर आपके बच्चे को कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है तो आपको क्या क्या चीजें ध्यान रखनी है जिससे आपके बच्चे को ये परेशानी का सामना ना करना पड़े। तो जो पहली ये चीज है वो ये है कि आपको हर 2-3 घंटे पर अपने बच्चे को दूध पिलाते रहना है अगर वो 6 महीने से छोटा है तो, क्योंकि सिर्फ आप दूध ही पिला सकते हो, पानी भी नहीं पिला सकते हो, दाल का पानी भी नहीं, कुछ नहीं। तो अगर आपका बच्चा 6 महीने से छोटा है तो आपको उसको 2-3 घंटे पर दूध पिलाते रहना है। वहीं अगर आपका बच्चा 6 महीने से बड़ा है तो आपको दाल का पानी, कभी नॉर्मल वाटर, कभी फ्रूट जूस पे थोड़ा सा पानी मिला के फ्रूट जूस पिला दिया। आप डायरेक्ट पूरा फ्रूट जूस नहीं पिला सकते 6 महीने के बाद, थोड़ा पानी मिला के ही उसमें पिलाएं, डाइल्यूट करके पिला सकते हैं। तो आप हर 2-3 घंटे पर ऐसे पिलाते रहें। अगर आपके एरिया में बहुत ज्यादा गर्मी है, बच्चे को बहुत ज्यादा स्वेटिंग हो रही है, या आपने नॉर्मल से वेदर में भी बच्चे को बहुत ज्यादा स्वेटर, ब्लैंकेट, रजाई, कंबल, गद्दा, पता नहीं क्या क्या उड़ा के रखा है, तो वो बिल्कुल नहीं करें। बच्चे को बहुत ज्यादा स्वेटिंग नहीं होनी चाहिए, उससे बच्चे को थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाएगी। आपको जो नॉर्मल बच्चे होते हैं वो एक दिन में 6 से 7 डायपर यूज करते हैं, मतलब कि जो हेल्दी बच्चे होते हैं जिसको कोई प्रॉब्लम नहीं है वो दिन में मिनिमम 6 से 7 डायपर जरूर यूज कर लेते हैं, इतना यूरिन वो पास करते हैं। तो अगर आपका बच्चा 6 से 7 से कम डायपर यूज कर रहा है तो आपको समझना है कि आपके बच्चे को डिहाइड्रेशन है, तो आपको नंबर ऑफ डायपर्स कितने यूज हो रहे हैं पर डे ये भी ध्यान रखना है। और अगर आपको लग रहा है कि आपके बच्चे को ऑलरेडी डिहाइड्रेशन है, उसको पानी की कमी है शरीर में, तो आप कोशिश करें कि आप डिस्पोजेबल डायपर्स में ना रखें, आप क्लोथ डायपर में भी नहीं रखें, उससे भी मालूम नहीं चलेगा बच्चा कितना यूरिन पास कर रहा है। तो आप क्लोथ नैपीज में या अंडरवेयर में रखें कॉटन के, जिससे आपको ये आइडिया लग पाए कि पूरे दिन में बच्चा कितनी बार यूरिन पास कर रहा है। सो एक ये चीज भी आपको ध्यान रखनी है। सो ये छोटी छोटी चीजें हैं जो कि आपको अपने डे टू डे रूटीन में अगर आप करेंगे तो आपके बच्चे को ऐसा कोई पानी की कमी या कुछ ऐसा किसी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। बस आपको ये चीजें थोड़ी सी ध्यान देनी है, पानी अच्छे से पिलाना है, बहुत गर्म पानी नहीं पिलाना है, रूम टेम्परेचर पर पानी पिलाना है, और जो चीजें मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताई, 4-5 पॉइंट्स है, वो आपको छोटी छोटी चीजें ध्यान रखनी है, आपके बच्चे को ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। पानी का आपको जरूर ध्यान रखना है, उससे ही बच्चे की ग्रोथ अच्छी होती है, क्योंकि बॉडी मैक्सिमम पानी से बनी हुई होती है, बच्चे की स्किन पे ग्लो पानी की वजह से आता है। सो आपको पानी का विशेष रूप से ध्यान रखना है, सिर्फ बच्चे के लिए ही नहीं बड़ों के लिए भी पानी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। सो आई होप कि ये छोटी सी वीडियो आपके लिए होगी हेल्पफुल, अगर हेल्पफुल है तो इस वीडियो को दें एक लाइक और मेरे चैनल को करें सब्सक्राइब, और साथ में प्रेस करें बेल आइकन जिससे इस तरीके की नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिलते रहे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।